काम खत्म करके हम वापस कैंप जा रहे हैं। पहाड़ों के बीच खाने का मजा ही कुछ और है। गुड मॉर्निंग फैमिली मेंबर्स, आज मेरे साथ में दूसरा दिन है। तो अभी बजे है सुबह के 6:30 बजे। अभी हम साइट पे जाने वाले हैं, पहले चाय का इंतजार कर रहे हैं, चाय पीते ही साइट पे जाएंगे। तो मिलते हैं साइट में। वेलकम बैक गाइस। आज धूप निकला हुआ है तो इसलिए विजिबिलिटी काफ़ी अच्छा है। कल भोगी होने के कारण मैं आपको अच्छे से व्यू नहीं दिखा पाया, पर आज आप यहाँ के वादियों का अच्छे से लुत्फ उठा सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है, ये अरुणाचल और भूटान बाउंड्री है। उस पहाड़ के साइड पे भूटान है। वो देखिए, यहाँ से आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। फ्लैग भी दिखाई दे रहा है, शायद भूटान का फ्लैग है। कलवर्ट के लिए एक्सकेवेशन चल रहा है। यहाँ बैठेगा कलवर्ट। दिन दहाड़े मून दिखाई दे रहा है। मौसम साफ होने की वजह से अभी हम शेयर कर रहे हैं ट्रैक्टर से साइड का। इनसे तो आप मिलित क्या होंगे। ये हमारा सर्वेयर सर, भारतीय जनता के आदमी है, सब कुछ कर लेता है। नाम है विकास, पूरा नाम क्या है आपका? विकास सरकार। वैसे
तो ये असम से है, असम से बिलोंग करता है, मगर बराबर अरुणाचल में ही है, बरपुर में। आ गया हूँ, शायद यहाँ से व्यू थोड़ा अच्छा हो। कैमरा में शायद अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ऊपर जो टॉप में जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है वो पता नहीं फ्लैग है कि यहाँ ये पहाड़ भूटान और इंडिया बॉर्डर है। यहाँ के निवासियों का कहना है कि वहाँ बहुत भूटानीज लोग जो वहाँ पे याक पालते हैं वे लोग यहाँ पे ट्रेड के लिए आते हैं। यहाँ पास के गांव में नमक, वो नमक लेने आते हैं। अभी हम ब्रेकफास्ट करने वाले हैं। यह है मेरा ब्रेकफास्ट, चावल है, दाल, आलू, इसके बाद चना। पहाड़ों के बीच खाने का मजा ही कुछ और है। वो तो यहाँ से दिख रहा है ना, तो फ्लैगे शायद ना आते वक्त उस रास्ते से आए थे। वो जो वहां कुछ घर दिख रहा है
वो हमारा दूसरा कैंप है। उससे आगे और एक कैंप है, बेसिकली हमारा तीन कैंप है। मेरा कैंप हमने जहाँ पे हूँ जिस साइड पे हूँ सबसे टॉप पे है। देख सकते हैं यहाँ पे एक ही प्रकार का पेड़ मिलता है। इस लोकेशन का नाम है नागाजीजी, जो कि श्रीराम से 100 किलोमीटर के आसपास है। श्रीराम जो कि
डॉक्टर साहब एक्सरे बता कर आपका नाम बताइए ना। लामा सिरिंग ये यही के निवासी हैं, आपका लोकल है। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और प्रेस बेल आइकन दबाइए ताकि आप अगले वीडियो के लिए आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। सब्सक्राइब कैंप पहुंचने को है अभी। अभी समय है लगभग 5 बजे, शाम के 5 बजे। हमारा किचन, यहीं पे हमारा रोज का खाने पीने का बनता है। अभी डिनर के लिए बन रहा है। दाल। अब आज क्या बनाएगा? तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंशु भाईनरी है। अभी दाल और आलू भाजी बना रहे आज के लिए खाने। ये हम लोग का रोज टेस्टी खाना खिलाता है। इसका वजह से हम लोग का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने जा रहा है। अगर हम लोग भूखा रहता तो काम नहीं हो पाता। और ये हम लोग का दीदी जब से दीदी है हम लोग बहुत टेस्टी खाना मिल रहा है। तो दोस्तों ये हम लोग का स्टाफ, ये सब हम लोग का स्टाफ है। सबसे पहले इनसे मिले। आपका नाम है? आपका नाम बताइए। और आपका? इसमें संगे पांडे। और आपका? जासा तोम। दुर्गा किशन। ये सभी हम लोग का स्टाफ है। इन लोगों के वजह से ही हम लोग का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो पाएगा। और यहाँ पे भी ये हम लोग का दीदी का दुकान। दीदी का दुकान है हम लोग का। रोज का जरूरी सामान हम यहीं से लेता है।
इतना दूर में भी बहुत सही रेट में देता दीदी। तो गाइस मैं पहुंचने वाला हूँ अपने कमरे पे। ये है मेरा कमरा। बहुत ही छोटा है पर कंफर्टेबल है। ये खुद को गर्म रखने के लिए यहाँ पे हम चलाया जाता है। इनर बेड ऑर्गेनाइज नहीं है। ये मैं अच्छे वो रूम जो बहुत टेम्पररी है, हम लोग का हैवी प्रोजेक्ट है तो साइज चेंज होता रहता है, इसलिए टेम्पररी बनाना पड़ता। तो दोस्तों अभी बज के रात के 9 बजे, डिनर करके आ गया मैं। अभी सोने की तैयारी कर रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग समाप्त करना चाहूँगा। हम कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग में, नए दिन में। तो दोस्तों गुड नाइट, शुभ रात्रि, सवा की।